हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू तो यूज़ कलर इंडेक्स इन वीबीए कलर इंडेक्स मतलब हमारे पास इंडेक्स कितने हैं कलर के मल्टीपल किस तरीके से हम कलर को यूज़ कर सकते हैं और कैसे इस प्रॉपर्टी को हम रेंज पे सिलेक्ट कर सकते हैं और एग्जैक्टली हमारे पास कितने कलर हम कलर इंडेक्स से यूज़ कर सकते हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ब्लैंक शीट पे जाता हूँ यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिखूँगा उनके अंग्रेज नंबर देखते हैं कि कितने हमारे कलर इंडेक्स में नंबर आ सकते हैं तो मैं ऑल्ट एफ़ इलेवन करके अपने प्रोजेक्ट में आ जाऊँगा ये वी बी एडिटर में एंड देन इन्ज़र्ट में आके मॉड्यूल पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हम पहले यहाँ पर एक से ले वन टू हंड्रेड मतलब एक यहाँ पर एक नंबर डाल देते हैं सब टेस्ट डाल देते हैं टेस्ट कलर इसका नाम प्रोजेक्ट का नाम टेस्ट कलर डाल देते हैं और देन हम यहाँ पे एक फो लूप लगाएंगे यहाँ पे पहले हम डिम का एक मतलब डिम का नहीं मतलब एक इंटीज़र ले लेते ले हैं डिम आई एज ए इंटीज़र और इंटीज़र में हम लिखते हैं यहाँ पे फोर आई इजिकल टू मतलब वन टू वन टू हंड्रेड लिख देते हैं फिलहाल राइट right? और फ़ोर जब हम यूज़ करेंगे तो उसके नीचे नेक्स्ट लिखना होता है हमें तो हमें जो नंबर number, नंबरिंग डालनी है वो यहाँ पे डालनी है यहाँ पे तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेंज a, sorry, a and i. dot equal to i. इसका मतलब होगा कि जब मेरा फुल लूप चलेगा तो i की वैल्यू हमारी चेंज होगी पहले होगी वन जब ये लूप यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा तो हो जाएगी टू तो इसलिए हमने लिखा है रेंज a ए टू ए थ्री ए फोर और उसमें i की वैल्यू मतलब i हमारा है वन टू हंड्रेड पहले i की वैल्यू होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इस तरीके से हमारे यहाँ पे पूरी वैल्यू फिल हो जाएगी इस पर्टिकुलर रेंज में तो माइट भी आपके समझ में ना आ रहा हो तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला आप देख सकते हैं वीडियो में और इसको लगा सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा जैसे मैं एफ फ्रेश फ्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल इन आ, का हमने इसमें आई में असाइन किया था तो आई इज टू लिखा है वन टू हंड्रेड मतलब जो ये मेरा लूप है एक से लेके हंड्रेड तक चलेगा और यहाँ पे नेक्स्ट का मतलब होता है कि जब तक ये मेरा क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता जब तक ये हंड्रेड जैसे वन जीरो वन होगा तो ये मेरा फोन लूप एग्जिट हो जाएगा और एंड सब हो जाएगा मतलब मेरा लूप खत्म हो जाएगा और मेरे ये पर्टिकुलर जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ ये मेरा एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा तो देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पर देखेंगे आई की वैल्यू वन है क्योंकि हमने लिखा है वन टू हंड्रेड तो ये हो जाएगा ए वन और वन की वैल्यू है ए तो ए वन पर लिखेगा ये वन और सेम वे जब ये ऊपर की तरफ फिर आएगा तो आई आए की वैल्यू हमारी टू हो जाएगी तो ए टू इक्ल टू आई मतलब ए टू में हो जाएगी आई की वैल्यू फिर आएगा फिर मतलब लूपिंग का मतलब ये होता है एक एक का इंक्रीमेंट होता रहता है मतलब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है तो हम रन करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने नंबर आ गए हैं ये हंड्रेड है। आ गए हैं देखिए और मैंने इस पर लगा दिया है एक बॉर्डर लगा दिया यहाँ पर भी बॉर्डर लगा देता हूँ मैं और हमें देखना है कि यहाँ पे हमारे पास कितने कलर ए पे हमारे पास कौन सा कलर होता आ, मतलब वन की वैल्यू कलर इंडेक्स में क्या होती है टू पे क्या होती है कलर इंडेक्स की वैल्यू देन हम यहाँ पे एक अ, कलर इंडेक्स के लिए जो हम कमांड लिखेंगे वो लिखेंगे यहाँ पे हम आ, रेंज क्योंकि हमें जो कलर देना है वो देना है इस वाली रेंज पे यहाँ पे नहीं देना ठीक है थीके? तो हम सेम में वही चीज़ करेंगे बी एंड आई बी एंड आई क्या हो जाएगा जब ये मेरा लूप चलेगा इसको मैं दूसरी सेल पे लिख देता हूँ माइट भी यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न क्योंकि हमारा वन टू ये तो लिख चुका है एकदम से और uh, या तो फिर मैं पूरा डिलीट कर दूँगा यहाँ पर तो सक अभी मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरा पार्ट एग्जीक्यूट हो गया राइट right. तो इसमें होगा क्या कि मैं जैसे लिखता हूँ यहाँ पर रेंज बी एंड आई बी एंड आई पहले क्या होगा कि यहाँ पर एक नंबर होगा यहाँ पे नंबर आएगा इस मतलब लूप के अंदर हम अपने मल्टीपल क्राइटेरिया डाल सकते हैं हमें खाली उनका लॉजिक देखना होता है कि ये लॉजिक हमारा सही है या गलत है बाकी आपने जो मर्जी मतलब लूप एक हमारा एक तरीके से एक हमने एक बना दिया है मतलब कि इसके अंदर पर्टिकुलर इस कोड इस, इस के बीच में और इस नेक्स्ट के बीच में हमने बोल दिया कि भाई ये तो वन टू वन हंड्रेड चलेगा और इसके बीच में आप कुछ भी डाल सकते हैं कॉपी वाली रेंज डाल मतलब आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर सेल कॉपी करके यहाँ पे हंड्रेड टाइम्स डाले वो डालेगा तो लूपिंग में मतलब होता है उसके बीच के एक्शन होते हैं जो वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं बाकी आपका लूप का कोई काम नहीं होता घूमता रहता है इस तरीके से राइट तो हम लिखेंगे बी एंड आई हम इसमें एक एक्शन तो हमने डाल दिया कि आई की वैल्यू लिख देगा और हम यहाँ पर लिखते हैं डॉट कलर डॉट सॉरी कलर के लिए हम पहले इंटीरियर डालना पड़ता है इंटीरियर डॉट कलर कलर यहाँ पे कलर नहीं डालेंगे हम डॉट डालेंगे कलर इंडेक्स इक्वल टू आई जिस तरीके से यहाँ पे ए टू हो रहा है फिर यहाँ पे बी टू की वैल्यू आई मतलब आई की वैल्यू हमारी पहले वन होगी फिर कलर इंडेक्स वन होगा फिर टू थ्री फोर फाइव जो भी कलर होगा उसका यहाँ पे आता रहेगा जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ आई की वैल्यू हमारी हमारी वन है यहाँ पे इसने वन लिख दिया बी एन आई मतलब बी टू में जो कलर इंडेक्स आई मतलब जो भी आई की वैल्यू होगी इसने ब्लैक कलर डाल दिया और इस तरीके से नंबरिंग में डालता जा रहा है और यहाँ पे मेरा एरर आ गया तो किस वैल्यू में मेरे पास एरर आया है ये आया है मेरे पास 57 जब मेरा 57 टाइम ये लूप चल रहा था तो यहाँ पे कलर इंडेक्स में मेरा यहाँ पे एरर आ गया इसका मतलब ये हो सकता है कि जो हमारा कलर इंडेक्स होता है खाली 56 तक चलता है 57 की कोई वैल्यू नहीं होती है उसमें जैसे मेरा है जो से, जो मेरी कॉलम है मेरे सिस्टम में वो मेरे एक्स एफ डी तक है राइट अगर एफ मैं कोई अगर रेंज दे देता हूँ एक्स एफ डी से भी आगे की दे देता हूँ एक्स एफ़ ई की रेंज दे देता हूँ तो वहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि मेरे पास रेंज है ही नहीं सेम वे हमारे पास जो कलर होते हैं वो कलर इंडेक्स में इस लूप से हमें पता चला कि फिफ्टी सिक्स तक ही होते हैं ठीक है तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा जैसे आपको इन ये कलर आपके पास आ गए तो भी इस कलर इंडेक्स के अकॉर्डिंगली जो भी आपको कलर चाहिए वो आप अपनी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो उस कलर को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा डेटा बना देता हूँ यहाँ पे रैन बिटवीन लगा के वैल्यूधर नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं ये मेरे पास है यहाँ पे मुझे इसका कलर करना है ये वाला ग्रीन करना है मुझे राइट तो मैं यहाँ पे एक कोड लिखूँ इसको इधर कर देते थोड़ा लेट सपोज मुझे ये वाला कलर मतलब जो इस पर पूरी रेंज का कलर मुझे करना है ये वाला एटीन में है जो मेरे पास राइट तो मैं यहाँ पे सिंपल सा कोड लिखूँगा यहाँ पे लिखते हैं सब आ, टेस्ट टेस्ट टू लिख देते हैं इसका नाम ओके okay, यहाँ पे मैंने अंडर स्कोर लगाना था तो मुझे जैसे 18 वाला कलर देना इस पर्टिकुलर पूरी रेंज को तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इस रेंज कहाँ से कहाँ तक है मेरी ई से लेके आई तक ठीक है रेंज ई फोर टू आई फोर्टीन डॉट Uh, interior. dot color index equal to ये मेरे पास कौन सा कलर है ये वाला कलर तो यहाँ पर डाल दूंगा मैं एटीन इस कोड को रन करते हैं तो ये वाला कलर मेरे पास आ गया सपोज़ मुझे फोर्थ वाला कलर डालना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फोर तो ये फोर हो गया और डालना है मुझे ये वाला कलर डालना है तो मैं फिफ्टी थ्री डाल दूँगा यहाँ पे तो इस तरीके से आप जो भी कलर इंडेक्स के थ्रू को जो भी कलर आप लेना चाहते हो तो ईज़िली आप मतलब उसको ले सकते हो मतलब जो भी आपकी रेंज में अगर आप कलरिंग चाहते हो और आपको स्पेसिफिक कलर मतलब रेड ब्लू ग्रीन के अलावा और अदर कलर भी अगर आप यूज़ करना चाहते हो वहाँ पे अगर फॉर्मेटिंग डिफरेंट कलर की है तो ये सारे आपके पास ये ऑप्शन होते हैं कलरिंग के तो जो भी आपको कलर यूज़ करना है अगर वी के थ्रू तो आप कलर इंडेक्स के थ्रू कर सकते हो तो इसके भी मल्टीपल मैथड्स होते हैं लेकिन कलर इंडेक्स का ये बेसिक सा है मतलब ये कोड भी इसका कोई ज़्यादा नहीं है रेंज और इंटी डॉट कलर इंडेक्स और हमारे पास कलर इंडेक्स कितने हैं टोटल ये है हमारे पास फिफ्टी सिक्स राइट तो इस तरीके से आप कलर इंडेक्स के थ्रू जो भी कलर को अगर आपको चेंज करना है तो इजीली कर सकते हैं इससे आपको मल्टीपल कलर्स का एक ऑप्शंस मिल जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको वी वी ए की कोडिंग में नॉर्मली हमें कलर तो इधर ही मिल जाते हैं लेकिन अगर आप कोड बना रहे होते तो अगर आपको एग्जैक्टली सेम कलर नहीं मिलता तो आप कलर इंडेक्स के थ्रू वो वाला कोड फाइंड आउट करके उसकी वैल्यू लिख के और ईजिली आप इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हो राइट आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग अ नाइस डे